पिछले वीडियो में जो है हम 53 तक करवा चुके थे क्वेश्चन। क्लास 12 का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। 53 क्वेश्चन पहले हम करवा चुके हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम के चलते जो है छूट गया था, ठीक है। ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है, बी वेक्टर बराबर भी दिया हुआ है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। तो बस क्या करना है, ए वेक्टर को लिख देंगे, बी वेक्टर को यहाँ पर लिख देंगे। अब ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर निकालने का होता है तो ये दोनों गुना करते हैं, चरतिया 12 है, ये दोनों गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, माइनस 10 हो जाएगा। ये दोनों गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 3 गुना करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। 12 3 15 में से 10 घटेगा तो 5 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी, इसका रूट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का, क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि LMN एक सरल रेखा की दिक् कोजियाएँ हैं तो ये चार फॉर्मूला में से क्या होगा। तो दिक् कोजियाएँ का फॉर्मूला होता है L² + M² + N² = 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 56 है K वेक्टर डॉट K वेक्टर बराबर क्या होगा। तो हम ये सबसे पहले जान लें कि I वेक्टर डॉट I वेक्टर अगर रहेगा, दोनों सेम अगर रहता है तो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 1। अगर J वेक्टर डॉट J वेक्टर है तो उसका कितना हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा 1। अगर यदि जो K वेक्टर डॉट K वेक्टर है उसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यदि जो दोनों अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए आई वेक्टर हो और डॉट जे वेक्टर हो, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। या जे वेक्टर है और यहाँ आई वेक्टर है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। या जे वेक्टर है और यहाँ के वेक्टर है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 नहीं, अलग अलग अगर मान रहने पर क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर डॉट से गुना किया हुआ है तो 1 होगा, जे से किया हुआ तो 1 होगा, और K से किया हुआ तो 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है, एक्स की दिक् कोजियाएँ क्या होती है, बताओ। 400 ऑप्शन दिया हुआ है, तो मेरा अक्ष जो होता है वो 3x होता है, एक x होता है, एक y होता है, एक z होता है। अगर बात करें एक्स अक्ष की, बात करें कि एक्स अक्ष की दिक् कोजियाएँ क्या होगा, तो एक्स के स्थान पर 1 हो जाएगा, बाकी सब पर क्या होगा, 0 0 होगा। अगर वाई अक्ष की बात करें कि वाई अक्ष का जो है दिक् कोजियाएँ क्या होगा, तो एक्स के स्थान पर 0, वाई के स्थान पर 1, और जेड के स्थान पर भी 0 होगा, ठीक है। अगर जेड एक्स की बात करें कि जेड एक्स पर जो है दिक् कोजियाएँ कितना होगा, तो एक्स के स्थान पर 0, वाई के स्थान पर 0, और जेड के स्थान पर क्या होगा, 1 होगा, सॉरी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ एक्स एस पर पूछ रहा था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या करना है, निकालना है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x1 - x2² + y1 - y2² + z1 - z2² यहाँ पर हम पुट करके मान निकाल सकते हैं। तो बताओ ये मेरा क्या हो जाएगा x1, ये मेरा हो जाएगा y1, ये मेरा हो जाएगा z1, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा x2 / y2 और z2। तो बताओ यहाँ पर मान रखेंगे, x1 कितना हो जाएगा 4 माइनस x2 कितना हो जाएगा 1, इतना के स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 कितना हो जाएगा 3 माइनस y2 कितना हो जाएगा -1, इतना के स्क्वायर करेंगे, प्लस z1 कितना हो जाएगा 7 माइनस z2 कितना हो जाएगा -5, अब इतना के स्क्वायर करेंगे, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, ठीक है, हल करने के लिए सबको आना चाहिए, हल करेंगे, इतना में इतना घटेगा तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस
बताओ इतना में इतना गुना करेंगे जुटेगा एक, एक और तीन कितना होता है चार, चार के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा तीनों को जोड़ने के बाद। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 58 था, 59 है क्वेश्चन नंबर, 59 में क्या बोल रहा है देख लो थोड़ा सा, 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, चार ठो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक है तो एक फॉर्मूला होता है, हम इसको लिख दिए फॉर्मूला है, ठीक है क्या है फॉर्मूला है, इसको हमने दिए 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है ये वाला या ये वाला या ये वाला, ये तीनों का अगर मान पूछेगा दिमाग में रखना है, अगर ये तीनों का मान पूछेगा तो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 60 में, क्वेश्चन नंबर कितना में है 60 में। अब बताओ इसका जो है मान निकालना है तो कैसे मान निकालेंगे बताओ, तो इसका अगर मान निकालने की बात आए तो कैसे मान निकालेंगे। देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बताओ C1 है, C1 के सापेक्ष हम इसको क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। तो बताओ C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष हल करने पर, क्या करने पर हल करने पर बताओ क्या हो जाएगा C1।